हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, आज है 8 जनवरी। चलिए आज का जो दैनिक जागरण का एनालिसिस वो शुरू कर रहे हैं अच्छे से करके फ्रेंड्स सारी चीज़ें। और जो ये जो राष्ट्रीय संस्करण है दिल्ली से छप के आता है, ये वो न्यूज़पेपर है, आप लोग डाउनलोड करके जरूर पढ़ा कीजिए। मैं आपको सारी चीज़ें आपको मैं अच्छे से करवा देता हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको थोड़ा सा ना रीड आउट कर लिया कीजिए ताकि आपकी भी रिविजन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज की हेडलाइन है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, अब हर गरीब को आरक्षण। तो मोदी जी ने क्या किया है कि जनरल कैटेगरी को भी आरक्षण देने की बात की गई है। इससे पहले क्या क्या आरक्षण चल रहे थे वो सुन लीजिए। अनुसूचित जाति का 15% आरक्षण था, रिजर्वेशन। अनुसूचित जनजाति 7.5% और पिछड़ा विभाग ओबीसी के लिए 27%। तो कुल आरक्षण 49.5% था। तो भी फ्रेंड्स इसके अंदर एडिशन क्या हो गया, तो 10% और एक्स्ट्रा दिया जाएगा जनरल वालों को, जिनके पास पहले कोई भी आरक्षण नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, उनको क्या है अलग से आरक्षण दिया जाएगा। कैसे? इकोनॉमी बेस पे, कि जो लोग गरीब हैं तो उनको आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में और उनको स्टडी में। तो जिनकी सालाना इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम है तो उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो ऐसे परिवार जिनकी सालाना इनकम 8 लाख या उससे कम है, जिनको और उनके पास जो कृषि एकड़ 5 एकड़ से कम भूमि है कृषि के लिए, ऐसे परिवारों को टारगेट किया जाएगा। जिनके पास 100 गज का प्लॉट है शहर में या उससे कम है तो उनको दिया जाएगा आरक्षण। गांव में 209 गज का प्लॉट है, तो ये सब इन्होंने कुछ टारगेट्स रखे हैं, तो इसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो आज ये लोकसभा में बिल पास होएगा, उसके बाद जब ये आज ये लोकसभा में पेश किया जाएगा, तो जब पास होगा तब देखी जाएगी, तब आगे की आगे बात करेंगे। तो ये आज की जो हेडलाइन थी फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। अब इस चीज का बेनिफिट क्या मिलेगा फ्रेंड्स? इस चीज का बेनिफिट ये मिलेगा कि जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं थी फ्रेंड्स, लेकिन वो इकोनॉमिक वीक है, इकोनॉमिकली वीक है वो, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अच्छी कोचिंग ले सकें, अच्छी स्टडी कर सकें, अच्छी जगह से पढ़ सकें। तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उनको नौकरियों में और उनको स्टडी में जो आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो राइटर खुद ही कह रहा है, जो लिखा हुआ है कि अभी जो चुनाव आने वाले हैं इसलिए ये चीज़ें कही जा रही हैं, इससे पहले इतने 4 साल हो गए मोदी जी को ये याद क्यों नहीं आया, तो इस बारे में लिखे हुई सारी चीज़ें। लेकिन इसके बारे में जल्दी आर्टिकल आएंगे, वो फिर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब एडिटोरियल आएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आंसर में कैसे अपनी चीज़ें इनकलकेट करनी है, कैसे अपनी चीज़ों आपको इकट्ठी करके लिखनी है। चलिए नेक्स्ट इसमें बताते हैं कौन सी हो रही है बड़ी न्यूज़। 71 साल बाद ऑस्ट्रेलिया फतेह। तो 71 ईयर बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल किया है, तो ये याद रखिए बस इतना ही है और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कानून बनने के बाद कोर्ट के लिए मुश्किल होगा खारिज करना। तो अभी फ्रेंड्स ये कह रहे हैं, अभी जो आरक्षण की बात चल रही है, तो आरक्षण में ये मोदी जी ने कल ही डिफाइन कर दिया था कि हाँ हम ये आरक्षण लेकर आए, ये बिल लेकर आ रहे हैं, तो इसके खिलाफ क्या अभी कोर्ट में याचिका दायर होनी शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि अगर आरक्षण जनरल वालों को आरक्षण दिया जाएगा तो SC ST कहाँ जाएंगे, OBC कैटेगरी कहाँ जाएगी। तो ये इस चीज ये बातें की जा रही हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आर्थिक आरक्षण मिल गया लोगों को तो फिर वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और एक बार कानून बन गया तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट खत्म नहीं करेगा उस कानून को, उस कानून को फिर मंत्रिमंडल ही खत्म कर सकता है। लेकिन आपको पता है भी इंडिया के अंदर एक बार कोई कानून बन जाए उसको खत्म करने के लिए मतलब बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन खत्म नहीं होता। जिसमें यही कह रहा है कि अगर केंद्रीय मंत्रालय ने आर्थिक आरक्षण लागू कर दिया तो फिर वो खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको जो है रोकने के लिए लोग जो है याचिका दर्ज करनी शुरू करके हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये पता नहीं कितनी गलत चीज है, हर कोई चाहता है कि हमारी कोई और ना ले जाए, SC ST या OBC जो भी वर्ग के लोग हैं ये भी याचिका दायर कर रहे हैं कि हमारा आरक्षण कहीं खत्म ना जाए। तो सरकार ने सीधा डिफाइन किया कि जो 49.5% पहले है, SC के लिए 15%, OBC के लिए 27% और ST के लिए जो 7.5% है, ये आरक्षण को नहीं छेड़ा जाएगा। 10% इससे अलग आरक्षण दिया जाएगा इकोनॉमिक बैकग्राउंड लोगों को, लेकिन फिर भी लोग जो है वहां पर याचिका दर्ज कर रहे हैं कि इनको नहीं देना चाहिए। तो अगर सरकार किसी की मदद करना चाहती है, किसी को अपलिफ्ट करना चाहती है, तो दूसरे लोगों को क्या प्रॉब्लम है? तो ये चीजें गलत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए लोगों को। क्योंकि तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको कल बताया था कि सोशल सोशल हेल्प, आपसी भाईचारा, तो अभी आपसी भाईचारा तो लोग खत्म करते जा रहे हैं कि यार मैं आगे जाऊं, सिर्फ मेरा परिवार आगे जाए, दूसरा आगे नहीं जाए। तो ये मैंने सोशल हेल्प के बारे में आपको सारी चीजें इकोनॉमी का जो 5th लेक्चर उसके अंदर बताई थी, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए, इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज शुरू की गई है हमारे द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कुत्ते को लेकर पहले भी हो चुकी है मारपीट, आरोपी पर दर्ज है कई मामले। कुत्ते पर पत्थर फेंका तो मार दी गोली, मौत हो गई है। तो देख सकते हैं आप लोग कि कुत्ते को पत्थर मारने से भी लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि गोली तक लगा मार देते हैं। देख लीजिए आप लोग कि क्या कुछ आज के दिनों में चल रहा है। नेक्स्ट में भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं खत्म। ये देख लीजिए, विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ दिल्ली के अंदर, ट्विटर और व्हाट्सएप संबंधी कहानियां बढ़ा रही है रोमांच। तो लोग कौन सी बुक्स परचेज करना पसंद कर रहे हैं जिसपे ट्विटर और व्हाट्सएप से संबंधित कहानियां दी हैं, ऐसी बुक्स लोग परचेज कर रहे हैं। मतलब लोगों का स्टडी की तरफ तो ध्यान बिल्कुल कम है, बहुत कम लोग जो इंजीनियरिंग की साइंस की बुक्स परचेज कर रहे हैं, दूसरी तरह की बुक्स ज्यादा इस बार सेल हो रही हैं। तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है फ्रेंड्स पूरी चीजें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनने वाला टॉपिक है,
चाबार पोर्ट का नियंत्रण भारत के हाथ में आ गया है। तो फ्रेंड्स चाबार पोर्ट ईरान के अंदर बना हुआ है, ये आप याद रखिए। और ईरान के जो ईरान के प्रधानमंत्री हैं अशरफ गनी, तो उनको जरूर याद रखिए। अभी उन्होंने क्या कहा, जो चाबार पोर्ट भारत ने बनाया था 582 करोड़ रुपए लागत आई जिसकी, तो इतनी लागत आने के बाद हम लोगों ने ये चाबार पोर्ट वहां पर बनाया ईरान के अंदर। अब उसका जो पूरा सिस्टम है, पूरा उसको संभालने की जिम्मेवारी, उसका नियंत्रण भारत के कंट्रोल में आ गया है। इससे हमें फायदा क्या होगा ये सुन लीजिए। और हम अभी ये सिर्फ 10 साल के लिए हम संभालेंगे, उसके बाद फिर से ये ईरान को वापस चला जाएगा या फिर हमारी कंपनियां फिर से इसका ठेका ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स जो सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया है, वहां तक हमारी रीच हो जाएगी। हम भारत से जो है गुजरात से कांडला पोर्ट से सामान क्या है ईरान तक पहुंचाएंगे, चाबार पोर्ट पे, चाबार पोर्ट से फिर रास्ते से होते हुए चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर मध्य एशिया तक हमारा सामान पहुंच जाएगा जितना भी कार्गो है। और फ्रेंड्स जो चाबार पोर्ट है यहाँ पर क्या है, ये काफी बड़ा पोर्ट बनाया गया ईरान के अंदर, काफी जगह थी वहां पर भारत ने डेवलप किया, तो इससे ईरान को भी फायदा और भारत को भी फायदा है। अभी दूसरी कंट्रीज के यहाँ पर जहाज आकर रुकेंगे, उनका कार्गो वहां से आगे जाएगा, तो फ्रेंड्स वहां पर क्या है हमें इनकम होगी। अब साइप्रस का जहाज वहां पर आकर रुका, पानी वाला जहाज, 72,458 मेट्रिक टन उसके अंदर सामान था, खाद्य पदार्थ थे उसके अंदर। तो अभी क्या आगे मध्य एशिया में दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए गए, आगे भेज दिए गए हैं, तो इससे क्या काफी हमें जो फायदा हुआ है वो वहां पर अगर 3 दिन रुकेगा तो हम वहां उनसे चार्ज करेंगे, तो इससे क्या हमारी खुद की रीच तो बड़ी ही बड़ी है, हमारी इनकम भी अच्छी हो जाएगी इसमें। तो अभी फ्रेंड्स ये इंडिया वालों को अभी अभी हैंड ओवर किया गया 10 सालों के लिए, तो ये बड़ी खबर है। और ये आपके लिए चाबार पोर्ट के बारे में थोड़ा सा मैप पर जाकर जरूर देखिए, मैप में अगर आप चाहते हैं कि सर मैप भी आप दिखा दिया कीजिए तो भी मुझे बता दीजिए, मैं फिर आपको मैप भी दिखाना शुरू कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको मैप से भी क्वेश्चन करवा दिया करूंगा। जाकर मैप में देखिए कांडला पोर्ट कहाँ पर है, कांडला पोर्ट का और दूसरा नाम क्या है, कांडला पोर्ट को और क्या कहते हैं, कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर है, जाकर मैप में जरूर निहारिएगा एक बार, देख लीजिए उसके अंदर चाबहार पोर्ट के बारे में हम कौन सा रास्ता लगता है सेंट्रल एशिया। अभी क्या चाबहार पोर्ट डेवलप हो गया तो पाकिस्तान की रीच कम हो गई, पहले क्या पाकिस्तान के पोर्ट थे वहां पर, तो अभी क्या फ्रेंड्स वहां पर पाकिस्तान को अभी कहीं से, सॉरी फ्रेंड्स पहले क्या था, तो पाकिस्तान के पोर्ट थे वहां पर, तो पाकिस्तान के पोर्ट पर लोग जाते थे वहां पर, उनको इनकम होती थी, लेकिन अभी क्या ईरान के अंदर हम लोगों ने बना दिया, तो पाकिस्तान की इनकम क्या है डिवाइड हो गई है, शेयर हो जाएगी वो, तो इससे हमें बेनिफिट है। पहले हमें क्या अफगानिस्तान जाना था तो हमें या तो पाकिस्तान के अंदर से होकर जाना पड़ता था या फिर किसी और रास्ते जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या हम गुजरात से ईरान जाएंगे चाबर पोर्ट पर, चाबर पोर्ट हमारा अपना ही है, वहां पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और आगे हम सेंट्रल एशिया तक जैसे मर्जी पहुंच सकते हैं, और हमारा जो इससे है एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हम लोगों से कम्पीट भी कर पाएंगे, क्योंकि इससे हमारे प्राइसेस हाई नहीं होंगे। तो ये काफी अच्छी न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है अभी इसमें, और राफेल पर थम नहीं रहा है शोर, राफेल के बारे में सब कुछ आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, राफेल हमने फ्रांस से खरीदा था, S-400 हमने रशिया से खरीदा था, चलिए ये चीजें याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है, फोन पर पुतिन ने मोदी से की रक्षा सहयोग पर बात, तो मैंने आपको अच्छे से बताता हूँ फ्रेंड्स की जो अगर आप लोग यूपीएससी की या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए मेन क्या है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, आपको सारी चीजें इकट्ठे से मिलाकर पढ़नी है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो फ्रेंड्स सारे लेक्चर फॉलो कीजिए, उनमें बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। मैंने कल या परसों बताया था न्यूज़पेपर के अंदर आया था कि भारत का जो पुराना दोस्त है वो है रशिया और जो नया दोस्त है वो अमेरिका है। अभी अमेरिका क्या हो रहा है, अमेरिका जो है अफगानिस्तान से बाहर जा रहा है, अपने जो लोग सीरिया से अपनी फौजों को बाहर निकाल रहा है, लेकिन रशिया भी हमारी हेल्प कर सकता है। अभी सहयोग पर रशिया का फोन आ गया है, पुतिन जी ने फोन किया कि हाँ हमें सहयोग करना चाहिए, रक्षा पर बात करनी चाहिए, भारत की रक्षा का सवाल है, अफगानिस्तान के अंदर आतंकवाद है उसको खत्म करने के बारे में इन्होंने बात की है, कि जिस जगह से अब आपको पता है कि दो ही बड़ी पावर, एक रशिया हो गया और एक यूएसए हो गया, फ्रेंड्स जिस जगह से हमारी हेल्प रशिया कर रहा है वहां पर यूएसए कहता है मैं पीछे हट रहा हूँ, जहां पर यूएसए पीछे हट रहा है वहां पर हमारी हेल्प रशिया कर रहा है, तो मतलब हमारे लिए तो दोनों हाथों में ही लड्डू है, कभी कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो कभी कोई हमारी हेल्प कर रहा है। लेकिन ये चीजें मैंने इकोनॉमी के लेक्चर में आपको अच्छे से क्लियर कर दी थी, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखा कीजिए, इकोनॉमी का लेक्चर सिर्फ से सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर होता है, वो जरूर देख लिया कीजिए। और अभी फ्रेंड्स मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीन सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट अब शुरू कर दिया जाए, और अगर आप चाहते हैं कि सर चारों सब्जेक्ट आप करवा दो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, तो वो भी मैं शुरू कर दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि 20-20 मिनट के लेक्चर होंगे, आपको डेली लेक्चर देखने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स अब मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप लोग ये डेली लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज नीचे या तो प्रेजेंट लिख दिया कीजिए या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कुछ भी फ्रेंड्स आप मुझे ये बता दीजिए कि हाँ सर मैंने लेक्चर देखा, आपने लेक्चर बनाकर अपलोड किया है तो मुझे इस लेक्चर से बेनिफिट हुआ है, थैंक यू लिख दीजिए कुछ भी, लेकिन आप अपनी प्रेजेंस मुझे बताइए कि हाँ सर हमने ये लेक्चर देखा है और हमें इस लेक्चर से फायदा हुआ है।
नेक्स्ट देख लीजिए, चिंता में है सरकार, विमानन सुरक्षा पर सरकार ने बुलाई एयरलाइंस की बैठक। तो फ्रेंड्स पिछले मैं अभी ये जो जागरण एजेंसी थे वो काफी टाइम से कर रहा हूँ, तो 6 मंथ्स हो गए मैंने जागरण एजेंसी शुरू किए हुए। तो फ्रेंड्स 6 मंथ्स के अंदर कम से कम 8 बार ये जो एयरलाइंस के अंदर प्रॉब्लम आ गई, कभी यहाँ पर टेक्निकी फॉल्ट आ जाता है, कभी वहां पर क्या हो जाता है इंजन ऑफ हो जाता है, कभी वहां पर एयर बैग्स ओपन नहीं होते, तो कभी कुछ कभी कुछ। मतलब जो भारत की विमान है, भारत के अंदर जितनी भी ये कंपनियां हैं, इंडिगो एयरलाइन है, एयर इंडिगो है, जेट एयरवेज है, तो इसके अंदर क्या है कि इनके जो जहाज इनमें कोई ना कोई तकनीकी गड़बड़ चल रही है, और अगर इसी तरह से ये कंटिन्यू रहा तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसमें प्रॉब्लम आएगी, हमारी रैंकिंग बिल्कुल नीचे आ जाएगी, कि हमारे भारत के विमानों में सफर करना मतलब कि विश्वासदायक नहीं है, तो ये चीजें गलत हो सकती हैं। तो इसलिए भी इसमें जो चिंता जताई जा रही है, आने वाले टाइम में आर्टिकल आएगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये न्यूज थी, मैंने आपको फिर भी बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट ये रीजनल न्यूज़ है, हमारे किसी काम की नहीं है, ये हम नहीं पढ़ते होते, क्योंकि रीजनल न्यूज़ हमें किसी भी काम के लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको अच्छे से करवा देता हूँ। चलिए नीचे जो कमेंट कीजिए, नितिन गडकरी जी हमारे कौन से मिनिस्टर हैं, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है, जरूर बताइए नीचे कमेंट करके। नेक्स्ट है पापड़ ने बनाया आत्मनिर्भर। तो त्रिपुरा आपको पता है कि एक छोटा सा स्टेट है, वहां पर क्या है, वहां पर जो औरतें हैं वो इकोनॉमिक हेल्प कर रही हैं अपने हस्बैंड्स की, वो पापड़ बनाती हैं, पापड़ बना बनाकर भारत के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है, और वहां से क्या है उनको पैसा जनरेट होता है, और ये अपने घर का कामकाज चलाती हैं, इससे ये काफी कुछ आगे बढ़ाती हैं, जो घर की इकोनॉमिक हेल्प है, इकोनॉमिक हेल्प पे करती हैं, घर को ऊपर अपलिफ्ट करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आंगनबाड़ी में अन्न की चोरी में शामिल लोग देशद्रोही मेनका। तो मेनका गांधी ने क्या कहा है कि जो आंगनबाड़ी से अन्न चोरी करते हैं, तो यार आप भी सोच सकते हो कि आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों के लिए या फिर जो गरीब परिवार है उनके लिए वहां पर राशन आता है, जो लोग ये राशन खा रहे हैं, ये राशन मतलब कि आ तो किसी और के लिए रहा है, खा कोई और रहे हैं, तो फिर यार ये देशद्रोह से बड़ा काम है और क्या, अभी किसी और के हिस्से की रोटी कोई और खा जाए तो यार ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। देशद्रोही फिर भी गलत काम करते हैं, लेकिन किसी और के हिस्से का कोई और खा जाए तो देशद्रोह का मुकदमा ही है और क्या है, तो ये गलत चीजें इन्होंने ये कहा है। और आप ऐसे पॉइंट्स को मान लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में चोरियां बढ़ रही हैं, या फिर लोग अन्न जो है मिड डे मील के बारे में कोई आ जाए क्वेश्चन, किसी भी चीज के बारे में आ जाए, तो आप ये पूरी जो है इन्होंने हेडलाइन है ये डाल सकते हैं कि आंगनबाड़ी में अन्न की चोरी में शामिल लोग देशद्रोही हैं। ये किन्होंने कहा, मेनका गांधी जी ने। अगर अपने आंसर में ये लाइन आप ब्लैक पेन से लिख देंगे फ्रेंड्स, तो आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस चीज का। तो इसलिए मैं आपको डेली कहता हूँ कि फ्रेंड्स इस न्यूज एनालिसिस को ध्यान से सुना कीजिए, 20 मिनट की बात होती है, 20 मिनट में अगर आपको पूरे दिन के लिए मतलब मेंस की तैयारी हो जाए, प्री की तैयारी हो, तो इससे बड़ी और चीज हो क्या सकती है। तो प्लीज 20 मिनट निकाल लिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, मेंस का है, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ये डिपेंड है। इच्छा जताई भारत दौरे पर आई नॉर्वे की पीएम। तो अभी नॉर्वे की पीएम है हमारे यहाँ पर, तो जिनका नाम है एर्ना सोलबर्ग। तो जरूर याद रखिए, किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में आ सकता है कि एर्ना सोलबर्ग कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, या फिर नॉर्वे की पीएम का क्या नाम है एर्ना सोलबर्ग। एक तो ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। दूसरी इन्होंने क्या इच्छा जताई है, भारत पाक चाहे तो करेंगे मध्यस्थता, कि भी बिचौलिया का काम करेंगे। नॉर्वे वालों ने कहा है, इन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहते हैं कि उनका जो कश्मीर मुद्दा है उस पर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाए, तो हम उनके लिए मध्यस्थता करेंगे। ये पहले भी कई बार कई कंट्री में, ये श्रीलंका और कोलंबिया के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी उनको भी मध्यस्थता इन्होंने की, और उसका वहां का प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर दी। तो ये कह रही है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो हम वहां पर आपके बीच के बिचौलिए का काम करेंगे, कि पाकिस्तान क्या चाहता है, भारत क्या चाहता है, हम दोनों को बैठकर आपस में बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है कि यूएसए क्या है, यूएसए बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, यूएसए को जिस तरफ, यूएसए एक बिजनेसमैन है, वहां की जो इकॉनमी है वो भी पूंजीवादी इकॉनमी है, कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है। जिन्होंने नहीं पता, जिन्होंने नहीं पढ़ा, वो जरूर मेरी इकॉनमी के लेक्चर सुन लीजिए कि यूएसए पूंजीवादी या इकॉनमिस्ट, तो वो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन हमेशा क्या करता है, कोई भी काम करता है वो अपना बिजनेस, अपना प्रॉफिट पहले ढूंढता है। तो अभी क्या, अगर यूएसए चाहता तो अब तक जो भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दा चल रहा है पाकिस्तान का, ये सॉल्व हो चुका होता, लेकिन वो चाहता है कि ये मुद्दा खत्म हो ही ना, क्योंकि अगर ये मुद्दा खत्म हो गया तो फिर वो भारत और पाकिस्तान को अलग अलग कैसे करेंगे, फिर उनके हथियार कैसे सेल होंगे, फिर वो मतलब क्या है, भारत को कहीं से हथियार खरीदने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान भी वैसे ही हथियार खरीदता, आपको पता कि S-400 हम लोगों ने खरीद दिया है, क्यों, क्योंकि हम पावर बनना चाहते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी खतरा है कि पाकिस्तान कभी भी अटैक कर सकता है। तो अब जब हम 3600 करोड़ रुपए की, आपको पता है कि राफेल डील इतना ज्यादा, 3600 इतने करोड़ रुपए की जो डील हो रही है, तो ये क्या हम क्यों कर रहे हैं, अगर ये चीजें आपस में हमारा फैसला हो जाए, अगर पाकिस्तान और भारत में मतलब कि ये संधि हो जाए, शांति वार्ता हो जाए, तो फिर ना ही पाकिस्तान खरीदेगा ना ही यूएसए खरीदेगा, तो इससे दूसरी कंट्रीज का क्या बेनिफिट क्या होगा, ना ही पाकिस्तान खरीदेगा ना ही भारत खरीदेगा, तो यूएसए के जो वो अपनी इक्विपमेंट्स बना रहे हैं वो नहीं खरीदेंगे, वो बिकेंगे नहीं, तो फिर इनको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए नॉर्वे चाह रहा है कि आपस में बातचीत हो जाए, लेकिन यूएसए या रशिया ये सब नहीं चाहते हैं।
तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए फ्रेंड्स, ये मेंस के अंदर आएगा। इसमें अंदर आपको क्या है, सिर्फ वही चीजें नहीं लिखनी जो आप बुक्स में रटी आई हैं, जो बुक्स में लिखी गई चीजें नहीं, आपको खुद की चीजें, आपको खुद को समझ होनी चाहिए। खुद को समझ नहीं है तो मुझसे समझ लीजिए, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ अच्छे से। डेली आपको कुछ ना कुछ नया बताता हूँ मैं। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, एक और चीज नीचे कमेंट कीजिए, नॉर्वे की कैपिटल क्या है और नॉर्वे की करेंसी क्या है, दोनों चीजें नीचे कमेंट जरूर कीजिए। इससे पता लग जाएगा कि हाँ कौन कौन बच्चे ध्यान से देख रहे हैं और कौन कौन बच्चे जिनको कि हाँ यार वाकई में ये इस लेक्चर में इंटरेस्ट होता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं और हमें जो इनके क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग को तलाक का आधार बनाने का प्रावधान अब खत्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले अगर किसी को भी पति या पत्नी को कुष्ठ रोग होता था तो क्या है कि एक दूसरे को तलाक दिया जा सकता था कि इसको कुष्ठ रोग है, हम इनके साथ नहीं रह सकते, हमें तलाक चाहिए। लेकिन अब यह प्रावधान खत्म है, चाहे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, जब पति पत्नी आपस में है तो वो फिर एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये अभी क्या है, ये बिल आने वाला है, वो बिल पास होता है या नहीं होता वो देखते हैं आने वाले टाइम में। नेक्स्ट, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, और अभी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लुप्त हो चुके ग्लेशियरों के अस्तित्व में आने के बने आसार। तो फ्रेंड्स, ग्लेशियर क्या होता है, जहां पर काफी बर्फ पड़ती है, तो अभी क्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मानते हैं कि इससे क्या है, वहां पर जान माल का नुकसान हो रहा है, हुआ नहीं है लेकिन होने के चांसेस, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, वहां पर पानी भी जम चुका है पाइपों में, वहां पर लोग रह नहीं रहे, उनको खाने पीने का सामान भी उनके पास खत्म होता जा रहा है, रोड्स जो उनका डिसकनेक्टिविटी हो गई है कि बर्फ पड़ने से रोड बंद हो गए, वहां पर लोग फंस जाएंगे। लेकिन इससे फ्रेंड्स एक तो ये बेनिफिट है कि जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं वहां पर पैसा देकर जाते हैं, दूसरा फ्रेंड्स इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है वहां पर, ग्लेशियर बढ़ रहे हैं, तो इससे जब गर्मियां आ जाएंगी तो समर सीजन के अंदर हमें क्या, पानी की बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है, हमारी नदियां सूख जाती हैं, नदियों के रास्ते खत्म हो रहे हैं। आपको पता है कि अगर किसी नदी के अंदर, मान लीजिए एक नदी है, उसमें हर साल पानी कम होता जा रहा है, तो वो क्या है, मिट्टी उसके अंदर भरने लग जाती है और उसका रास्ता बिल्कुल खत्म होता होता नदी एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाती है और नाले का रूप ले लेती है। लेकिन अभी इतनी ज्यादा ग्लेशियर बन चुके हैं, तो वो ग्लेशियर क्या है, एकदम से जब गर्मी आएंगी जून और जुलाई में, ये पिघलने शुरू हो जाएंगे। जब पिघलेंगे तो नदियों में भरपूर मात्रा में पानी होगा, वो पानी हम खेती के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ जगह पर वो पानी पीने के लिए यूज होगा, और जो नदियां सिकुड़ चुकी हैं, आपको पता पानी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो मिट्टी को अपने आप काट कर ले जाता है, तो नदियों का जो है रास्ता अपने आप खुल जाएगा, नदियों के मुंह फिर से खुलने लग जाएंगे। तो इससे क्या हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, नदियां फिर से जो जीवित हो उठेंगी, नदियों की लाइफ बढ़ जाएगी, हमें पीने का पानी मिल जाएगा, खेती के लिए हमें पानी मिल जाएगा, और जितने भी पानी की दिक्कतें हैं वो सारी हमारे लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी इसमें बड़ी चीज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जड़ी बूटी सेब और राजमा के लिए बर्फबारी बहुत अच्छी होती है। जब बर्फ पड़ती है तो इन चीजों की फसल जो है वो डबल हो जाती है। मान लीजिए कहीं कहीं से आपको एक क्वांटल सेब निकलने थे और अगर इस बार काफी अच्छी बर्फ पड़ी है, बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, तो वहां से आपको 1.5 क्वांटल सेब निकलेंगे सेम जगह से। तो फ्रेंड्स ये अच्छी चीज है क्योंकि सेब का फिर साइज भी जल्दी बढ़ने लग जाता है, तो इससे उसका वेट भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि ग्लेशियरों के बढ़ने से, ग्लेशियरों के अस्तित्व में आने से या ज्यादा बर्फबारी से हमें क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। आप बताइए कि बर्फबारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जब मेन्स के अंदर आप आंसर लिखेंगे, मैंने कुछ पॉजिटिव बता दिया, कुछ नेगेटिव बता दिया, अब नीचे क्या लिखेंगे उसका जो कंक्लूजन है कि हाँ मेरे हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कि ठीक है फ्रेंड्स, बर्फबारी होनी चाहिए, फ्रेंड बर्फ अच्छे से होनी चाहिए। हम क्या है, अब हम नेचुरली पानी तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, आप लोगों को पता है कि पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन पर वहां पर जो लोग हैं उनको हम मदद पहुंचा सकते हैं। अब बर्फबारी नहीं होगी, हमें पानी की दिक्कत हो जाएगी, हम पानी नेचुरल कहां से लेकर आएंगे, हम पानी इतना नहीं बना सकते। अब सेब की खेती के लिए बर्फबारी चाहिए तो हम बर्फबारी नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन जो वहां पर अब लोग फंसे हुए हैं, जो वहां पर सैलानी फंसे हुए, जो घूमने के आए थे वो फंस चुके हैं, उनको हम हेलीकॉप्टर से निकाल सकते हैं, उनको हम खाने पीने का सामान हेलीकॉप्टर से पहुंचा सकते हैं, उनको हम कुछ टाइम के लिए वहां से उठाकर दूसरी साइड ला सकते हैं हिमाचल की, जहां पर भी लोग रह रहे हैं वहां पर हमको उनको कुछ 1 और 2 मंथ के लिए वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं, तो ये बर्फबारी हमारे लिए बहुत अच्छी है और ये काफी अच्छी न्यूज है हमारे लिए। तो इसको आप पॉजिटिव वे से डिस्क्राइब करेंगे, पॉजिटिव वे से शो करेंगे, तो आपको जरूर और जरूर आपके मार्क्स जो है इंक्रीज होंगे और आपका जो सोचने का तरीका है एग्जामिनर को पसंद आएगा। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश के साथ बढ़ रही है दुश्वारियां, तो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं पहले कि बर्फबारी बढ़ने से हमें फायदे भी और नुकसान भी हैं, तो ये भी उत्तराखंड के अंदर नुकसान हो रहे हैं। नेक्स्ट अभी देख सकते हैं, फेसबुक लाइव पर महिला ने की खुदकुशी करने की कोशिश, तो ये बहुत गलत चीज है, जीवन बहुत ज्यादा अनमोल है, इसको खत्म मत कीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, जब पगड़ी के आगे झुका अमेरिका दुनिया देखेगी कहानी, अभी ये मूवी रिलीज होने वाली है, सिंह है मूवी का नाम, अमेरिका ने, अमेरिका क्या आज 2004 के अंदर 2007 के अंदर ये अमेरिका गए थे ये सरदार जी,
तो यूएसए वाले क्या किया इन्होंने कि वहां पर इन्होंने कहा कि जिन्हों को इनको मेटल डिटेक्टर से पास किया गया लेकिन इनकी कोई भी बीप साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी पगड़ी उतार कर दिखाइए, तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा। इन्होंने क्या किया, समुद्र के रास्ते जाने से या रोड के रास्ते जाने से, इन्होंने रोड के रास्ते जाने का फैसला किया। ये वहां से एयरपोर्ट से वापिस आ गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या है यूएसए में शिकायत की और उन्होंने कहा कि हम पूरा जो रूल चेंज हो सकता है लेकिन आपको 25,000 समर्थक चाहिए, 25,000 लोगों का आपको सपोर्ट चाहिए। तो इन्होंने वहां पर एक मुहिम चलाई तो 76,000 लोग इनके साथ जुड़ गया और अब वहां पर रूल चेंज हो चुका है। वहां पर किसी सरदार को अपनी पगड़ी उतार कर दिखाने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप जाए, आप मेटल डिटेक्टर से पास हो जाए, अगर बीप नहीं बची तो आप लोग जा सकते हैं, आपको पगड़ी उतार कर दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, दो धारी तलवार पर चलती कांग्रेस, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा पॉलिटिकल है। अमल में आई ये आरक्षण, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स अभी क्या आरक्षण देने की बात की जा रही है कि 10% आरक्षण दिया जाएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, लेकिन इसमें ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि कोई बिजनेसमैन जिसकी की करोड़ों की इनकम है और वो क्या करे एक सर्टिफिकेट बनवा ले कि हाँ मेरी इनकम 8 लाख से कम है और वो नौकरियों में उसके बच्चे को या फिर एजुकेशन में उसके बच्चे को आरक्षण मिल जाए। किसी की इनकम 20 लाख रुपए है वो सर्टिफिकेट बनवा ले तो वो आरक्षण ले जाए। तो क्या है अभी अमल में आना चाहिए कि हाँ आरक्षण अगर वीकर सेक्शन को देना है तो फिर वीकर सेक्शन को ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब एससी एसटी का आरक्षण होता है लोग झूठे सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं एससी एसटी के, और जो अब मान लीजिए जिन्होंने झूठा सर्टिफिकेट बनवा लिया उनकी कुछ ना कुछ तो पहुंच होगी, वो फिर नौकरी भी ले जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल लोग होते हैं जो सच्चे लोग होते हैं उनको जो जॉब नहीं मिल पाती। तो इसी तरह से इस बारे में बात की जा रही है कि अगर आरक्षण दिया जाना है तो फ्रेंड्स अच्छे से दिया जाए, फिर इसमें कोई घूसखोरी ना हो, कोई इसमें दो राहें ना हो। नेक्स्ट ये जीत का काफी अच्छा श्रेय है हमारे जो तेज गेंदबाजों को, ये हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है हर्ष फायरिंग की जानलेवा प्रवृत्ति। तो आपको पता है फ्रेंड्स हर्ष फायरिंग क्या होता है, आपको पता है फ्रेंड्स हरियाणा पंजाब राजस्थान यहां पर लोग क्या करते हैं अभी खुशी के मौके पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, गन निकाली और फायर शुरू कर दिया। ये जो काफी सिंगर्स ने ये मतलब गलत कर रखा है कि हाँ ठीक है खुशी के मौके पर गोली चलानी जरूरी है। आपको पता है उत्तर प्रदेश बिहार वहां पर क्या है खुशी के मौके पर गोलियां चलाते हैं लेकिन नशा करके गोलियां चलाते हैं, तो पता नहीं पिस्टल का या रिवॉल्वर का या फिर जो आपके पास गन है उसका मुंह किस साइड हो जाए और किसी बेकसूर की जान चली जाए। इसके अंदर काफी मामले 2005 से लेकर 2014 तक काफी मामले सामने आए हैं कि जो हर्ष फायरिंग है जो शादी ब्याह में जो फायरिंग करते हैं उसके अंदर बेकसूर लोग मारे जाते हैं, कई बार तो दूल्हा भी मर जाता है लेकिन फिर भी लोग ये काम करने से नहीं हटते। अब इसको इसके खिलाफ अभी क्या है बिल आना है लेकिन अभी कब आएगा वो नहीं पता है, लेकिन इस चीज के बारे में भी कानून तो बनाया जा चुका है कि ठीक है अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो डीसी उसको पकड़वा सकता है और डीसी उसको खुद भी उसको मतलब कि सजा का प्रावधान है, कोर्ट फिर उसको सजा देगा। तो ये डीसी ऑर्डर पर ये किए जा चुके हैं लेकिन अब इसके बारे में कोई बिल नहीं आया, कोई विधेयक पास नहीं हुआ, तो आने वाले टाइम में बात करेंगे जो भी आएगा। लेकिन ये गलत है, खुशियां बांटनी है, खुशियां बांटने के और बहुत सारे तरीके हैं। पहले लोग क्रैकर्स पटाखे चलाते थे लेकिन एनवायरमेंट को बचाने के लिए लोग क्रैकर्स तो नहीं चला रहे लेकिन गन से फायर जरूर कर रहे हैं और उससे क्या है किसी न किसी बेकसूर की जान चली जाती है, तो उसका जिम्मेवार कौन है फिर। नेक्स्ट अभी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये कह रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा में तार्किक बदलाव चाहिए इनको, क्यों, क्योंकि अभी फ्रेंड्स क्या पता है अभी थोड़े टाइम पहले क्या था 8वीं तक जो हमारी सरकारों क्या करती थी कि भारत के अंदर 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना है, और जैसे ही लोग 9th में पहुंचते थे सरकारी स्कूलों के अंदर तो 9th में एकदम से जो फेलियर रेट ज्यादा था और लोग स्कूल छोड़कर चले जाते थे। तो अभी क्या है कि जो हमारे स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है मिड डे मील का एक सोर्स बन गया कि लोग वहां पर जाते हैं खाना खाकर वापिस आ जाते हैं, वहां पर पढ़ता तो कोई है नहीं क्योंकि उनको पता है 8 क्लासेस तो हमने वैसे ही कर लेनी है, हम वो कुछ नहीं पढ़ते। हालांकि यहाँ तक कि 8वीं क्लास के बच्चे को इंग्लिश में नाम तक लिखना नहीं आता, कई तो ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसका लेवल बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ने की इच्छा जाहिर हो कि हाँ मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मुझे कुछ बनना है। उनको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ाए जाने चाहिए, उनको ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाई जानी चाहिए, तो इस जो शिक्षा का लेवल है बढ़ाना चाहिए हमें। नेक्स्ट है आर्थिक विकास दर 7.2% रहने का अनुमान। तो आर्थिक विकास दर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जिन जिन लोगों ने इकोनॉमी का 5वां लेक्चर नहीं देखा वो 5th लेक्चर जरूर देखे, उसमें मैंने अच्छे से सारी चीजें बताई हुई हैं और आप इकोनॉमी के सारे लेक्चर देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कर्ज माफी, किसान कर्ज माफी से खराब होगी कर्ज संस्कृति। तो भी फ्रेंड्स क्या है कि हर कोई किसान क्या है लोन ले लेता, मैंने आपको उस दिन भी अच्छे से बताया था कि लोग लोन लेते हैं जो जनरल किसान है जिसको लोन की जरूरत है उसको लोन प्रोवाइड कराइए, लेकिन कुछ लोग क्या है कि अपनी जमीन पर लोन लेकर फॉर्च्यूनर निकलवा लेते हैं। तो भाई फॉर्च्यूनर लिए तूने अपने शौक के लिए, तो इसके लिए लोन क्यों लिया, और लोन ले लिया ठीक है उसके बाद लोन फिर माफ हो गया, तो यार ये तो फॉर्च्यूनर मतलब सरकार ने इनको दे दी कि उसके पास जमीन थी सरकार ने उसको फॉर्च्यूनर दे दी, तो ये बहुत गलत बात चीजें हैं। तो यही बारे बातें में ये बार इसी बारे में ये बातें की जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट, अभी अभी इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
और हसीना जो है प्राइम मिनिस्टर बन, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ, प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं ये बांग्लादेश की, याद रखिए। चलिए शेख हसीना की पार्टी का नाम नीचे जरूर कमेंट कीजिए, मैं काफी बार पहले बता चुका हूँ आपको, तभी मैंने आज आपसे पूछा है, पहले मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। और अभी ऑस्ट्रेलिया फतेह कर लिया गया, ये देखिए टीम कितनी खुश है, जिस दिन आप अपना कोई एग्जाम क्लियर कर जाओगे यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज, तो आप भी, आपकी खुशी भी इसी तरह से होगी। नेक्स्ट अभी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अभी पढ़ लीजिए। दामोदर हुई निर्मल अन्य नदियों के बहुरेंगे दिन, तो दामोदर नदी झारखंड के अंदर है रांची में, याद रखिए। देखिए कि कितनी स्वच्छ नदी है, यहाँ का पानी अब पीने लायक भी हो चुका है। आपको पता है फ्रेंड्स गंगा यमुना कितना बुरा हाल है नदियों का, तो 2004 से लेकर 2004 में मुहिम चलाई गई थी इसको साफ करने की, कि इसको हमने साफ सफाई करना है, इसका पानी पीने लायक बनाना है। तो 2017 तक इसको अभी साफ सफाई इसकी कर ली गई है, अब इसका पानी पीने लायक हो चुका है। तो जब फ्रेंड्स इस नदी को 14 साल में साफ किया जा सकता है, तो बाकी नदियां क्यों नहीं, जिस तरह से टेक्निक इस पर यूज की गई है, जिस तरह से इसमें सामूहिक संकल्प किए गए हैं, लोगों ने इस पर प्रदूषण से मुक्ति दिलाई है, जो हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं या जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने इसको साफ करने के लिए जो मुहिम चलाई है, जो साथ दिया है, तो दूसरी नदियों को भी साफ किया जा सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल सेट है। अगर आपको गंगा के बारे में क्वेश्चन आ जाए कि गंगा को साफ नहीं किया जा रहा, गंगा की सफाई में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि दामोदर नदी जो झारखंड के अंदर है उसको साफ किया जा चुका है 14 साल में, अगर वो नदी साफ हो सकती है, उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम्स थी, उसके अंदर भी पॉल्यूशन था, गंदा पानी था, पीने लायक पानी नहीं था, वहां पर मछलियां मर रही थी, लेकिन अब वो साफ है। क्यों? क्योंकि उसके लोगों ने, झारखंड के लोगों ने उसकी साफ सफाई की है, वहां पर सामूहिक संकल्प हुए हैं, लोग वहां पर ग्रुप ऑफ पीपल वहां पर जो मिलकर काम कर रहा था, और लोग उसके साथ जो जुड़कर काम कर रहे थे, प्राइवेट लोग उसमें काम कर रहे थे, तो इसको साफ किया जा चुका है, तो गंगा भी साफ हो सकती है। लेकिन इसके लिए क्या है, एक जो आपको पता है नमामि गंगे और कई प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन उन प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ कागजों पर चलाया जा रहा है, एक्चुअल में कोई काम हो ही नहीं। अगर एक्चुअल में काम हो तो रिजल्ट्स भी आपके सामने जरूर आएंगे। नेक्स्ट देखिए, काले चावल के छिलके से बनेगा पास्ता, दिल रहेगा तंदुरुस्त, तो ये इंडियन साइंस कांग्रेस में ये बताया गया है। शहर और गांवों के युवाओं को जंक फूड से छुटकारा दिलाएगा ये उत्पाद, तो ये प्रोडक्ट आपको काफी अच्छा है, इसके लिए देख लीजिए इसके क्या क्या फायदे हैं। सेहत के लिए फायदेमंद होगा पास्ता, मोटापा कम करने में मिलेगी मदद, और शुगर नियंत्रित रखने में होगा ये मददगार। और ये इसके फायदे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये इसके फायदे हैं, नीचे दोबारा से लिखे हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है याद रखिए। और अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी फाइंड आउट की जा चुकी है, जिसके आपकी गाड़ी पे स्क्रैच नहीं लगेंगे, तो इसके बारे में फ्रेंड्स अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देश दुनिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। और सड़क किनारे हेज लगाने से कम होगा पोल्यूशन, तो सड़क के किनारे फ्रेंड्स अगर आप घास फूस लगा देते हैं, सड़क के किनारे आप ट्रीज लगाते हैं, तो आपका जो है वो पोल्यूशन कम कर दिया जाएगा। आपको पता है कि इसलिए तो हम ट्रीज लगाते हैं, हमारे जो रोड्स हैं, हाईवेज हैं, उनके साइडों पे हम ट्री क्यों लगाते हैं, इसीलिए ताकि वहां पर क्या है, जो पोल्यूशन, जितना भी पोल्यूशन निकलता है गाड़ियों से, वो सारा कार्बन वो जो मतलब कि सोख सके, और जो हमारे रोड के बीच डिवाइडर होता है उस पर हम जो हमेशा फ्लावर्स या ट्रीज क्यों लगाते हैं, ताकि एक तो वो क्या है कि एक साइड की रोशनी दूसरी साइड ना जाने दे, और दूसरा वो भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करें, ऑक्सीजन छोड़ते रहें। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज लेक्चर का अंत था, मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस कर ली है इंपॉर्टेंट। कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कौन सा लेक्चर आप चाहते हैं प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, और अपनी प्रेजेंस जरूर दर्ज करवाएं कि हाँ सर मैंने लेक्चर देखा, मुझे पसंद आया है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द